हाल ही में जारी नीट यूजी रिजल्ट के बाद मुंबई के उर्दू मीडियम स्कूल की चारों तरफ वाहवाही हो रही है। नीट के इम्तिहान में मतनी स्कूल में 5 से ज्यादा बच्चों ने 720 में से 600 मार्क्स हासिल किए हैं। सबसे ज्यादा तारीफ की बात यह है कि स्कूल की तलबा अमीना आरिफ कड़ीवाला उन 67 स्टूडेंट्स में से हैं जिन्होंने पूरे 720 मार्क्स के साथ इम्तिहान में पहली रैंक भी हासिल की। सलाम टीवी की टीम ने उन होनहार बच्चों से बातचीत कर आगे के प्लान के बारे में जाना। का रिजल्ट आने के बाद कहीं खुशी कहीं गम नजर आता है, और अगर नीट की रिजल्ट की बात करें तो हिंदुस्तान का सबसे टॉप पेपर जो है वो नीट का होता है। नीट में अंक लाना वाकई में एक बड़ी बात होती है, क्योंकि सबसे टॉप पेपर होता है नीट का पेपर, लेकिन वहां पर 720 में से 720 अंक लाना वाकई में एक मिसाल होता है। हमारे साथ एक नौजवान लड़की मौजूद है, आमिना आरिफ कड़ीवाला, जिन्होंने 720 में से 720 मार्क्स जो है लेके आए, कुछ पॉइंट कम, वही हमारे साथ खुद मौजूद है। आमिना, सबसे पहला सवाल ये, आपने 720 में से 720 लाया, कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत खुश हूँ मैं अभी। मेरे पेरेंट्स और सब ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया है, और स्टार्टिंग से इतना इजी नहीं था। जब मुझे याद है, मैंने जब कोचिंग स्टार्टिंग में ज्वाइन की थी तो मेरे बहुत ही मार्क्स बहुत ही कम आते थे, बट जैसे जैसे मैंने टेस्ट दिए तो मेरे मार्क्स इम्प्रूव होते गए और कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ने लगा। और जिस सोच के साथ मैं कोचिंग में आई थी कि कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, वो अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज पे शिफ्ट हो गई। और लास्ट के मॉक टेस्ट के रिजल्ट्स देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मैं एम्स के लिए भी मतलब तैयारी कर सकती हूँ और एम्स भी मुझे मिल सकता है अगर मैं थोड़ी मेहनत और करूँ तो। अमीना, देखिए ये बताइए, 720 में से 720 और नीट के रिजल्ट के अंदर ये देखा जाता है तो उमूमा बहुत ज़्यादा मेहनत लगती, तो इसके अंदर मॉरल सपोर्ट और ये आपका पहला अटैम्प्ट था, क्या था? ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था। इनिशियल अटैम्प्ट में मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिले, तो एक फियर ऑफ फेलियर भी स्टूडेंट के अंदर आ जाता है। बट मुझे अपने पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, मेरी मदर ने मुझे इनक्रेज किया था ये थर्ड अटैम्प्ट देने के लिए, और मेरे स्कूल के टीचर्स जो थे उन्होंने भी मुझे इनक्रेज किया था कि अगर आप अपना 100% देते हो, जो कमियाँ आपने पीछे छोड़ दी है उनको इम्प्रूव करो और इस बार एक और अटैम्प्ट दो। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार फुल मार्क्स मिले मुझे। अमीना, नीट को रिजल्ट को भी लेके लगातार ये हो रहा है कि आप पूरे इंडिया के अंदर 67 स्टूडेंट है जिसके अंदर आपका भी नाम है, और नीट के रिजल्ट को लेके विवाद भी चल रहा है कि नीट के पेपर लीक हो गए थे, आप लोग स्टूडेंट हैं क्या सोचते हैं? अगर लीक होने जैसी कोई प्रॉब्लम है तो उसको गवर्नमेंट हैंडल कर रही है, और हम लोगों ने और बाकी जिन बच्चों ने अपनी मेहनत से दिया है उनको, उनके साथ इंसाफ ही होगा इंशाल्लाह। एक आखिरी सवाल ये बताइए कि अब आने वाला एम्स और मिशंस क्या रहेगा आपका, आमिना का? अभी तो मैंने मुझे अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है MBBS की, उसके बाद मुझे सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए भी जाना है। देखिए ये थे आमिना, जिसका साफ तौर पे कहना है कि आने वाले वक्त में वो सुपर स्पेशलाइजेशन में जाएंगे, लेकिन ऐसे बच्चे जो है वाकई में अगर मेहनत करें और उनके माँ बाप भी साथ में बच्चों के साथ मेहनत करें तो वो बच्चे जो है आने वाले मुस्तकबिल में हिंदुस्तान का भी नाम रोशन करते हैं और अपने घर का भी नाम ज़रूर रोशन करते हैं। सलाम टीवी के लिए अमजद खान, मुंबई। हम लोग यही कहेंगे कि इस मामले को जल्द से जल्द रफा दफा किया जाए, इस मामले को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। अगर तहकीक होती है और अगर कुछ इसमें हकायक निकलते हैं, जो भी कसूरवार हैं उनको फौरन जो है वो इस मामले से अलग किया जाए, और बाकी के जो बच्चे हैं उनका एडमिशन प्रोसेस जल्द से जल्द शुरू किया जाए। हमारी ख्वाहिश यही है कि जिन्होंने आउट ऑफ मार्क्स लिए हैं, जिन्होंने ईमानदारी से पढ़ाई करके इतने अच्छे मार्क्स लिए हैं, उनको उनके पसंद का कॉलेज मिलना चाहिए। जहां नीट के रिजल्ट को लेकर काफ़ी लोगों के अंदर उत्साह है, और वहीं अगर बात कर ले तो मुंबई के ये दो नौजवान हैं जिन्होंने नीट के अंदर जो है 600 से ज़्यादा अंक, 650 से ज़्यादा अंक लेके आए और नीट कहीं ना कहीं क्वालिफाई किया। हमारे साथ दोनों बच्चे मौजूद हैं और इनकी खास बात यह है कि ये दोनों बच्चे जो है उर्दू मीडियम से पढ़ाई करें। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए, और उर्दू मीडियम से पढ़ने के बाद आपने नीट क्वालिफाई किया, कैसा महसूस कर रहे हैं? मेरा नाम शेख शम्स तबरीज़ है और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 676 स्कोर करा है नीट एग्ज़ाम में, और बहुत ही अच्छी फीलिंग है। हमारे सारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हैं, सारे रिलेटिव्स बहुत खुश हैं, घर घर से फ़ोन आ रहे हैं जितने भी रिलेटिव्स हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लगता है कि नीट का जो एग्ज़ाम होता है काफ़ी टफ होता है, तो आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में किया कि इसके पहले भी नीट की तैयारी कब से कर रहे थे? मैंने इसके पहले दो अटैम्प्ट दे चुका था। फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने 405 स्कोर करा था एंड सेकेंड में 562,
और अल्हम्दुलिल्लाह इस अटेम्प्ट में मैंने बहुत ही अच्छा इम्प्रूव करा है और सारे पेरेंट्स मतलब मेरे जितने भी मेरे पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। डैडी क्या करते हैं आपके? मेरे डैडी कार ड्राइवर हैं। कार ड्राइवर, देखिए घर का जो माहौल होता है मेल माहौल भी होता है मम्मी डैडी, तो किस तरीके से पढ़ाई को अपने घर के अंदर भी टफ होता होगा और तमाम चीज़ें होती होगी, किस तरीके से हैंडल करते थे? घर के अंदर मुझे घर में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी पढ़ने में, अगर क्लास में रहता था तो होता था ना कि दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते थे, तो मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं होता था घर में पढ़ने में, और क्लास में पढ़ने में थोड़ा फ़र्क होता है। क्या लगता है उर्दू मीडियम से पढ़ाई के बाद ये कहा जाता है कि उर्दू मीडियम के बच्चे जो है आने वाले वक्त के अंदर बड़े बड़े मुकामात कर रहे हैं, आप लोगों ने उर्दू क्यों चॉइस किया था? सर वो तो मतलब उर्दू मीडियम पहले से फैमिली के दूसरे जो लोग थे वो भी इसी स्कूल से थे, तो आइडिया भी था कि कैसा कोचिंग है यहाँ पे, तो इसलिए उर्दू मीडियम तो सिलेक्ट किया था, और फिर मतलब आगे चल के वो अच्छे से मतलब नॉलेज हो गई, फिर यहाँ से पढ़ने के बाद आइडिया भी हो गया, थोड़ा गाइडेंस भी मिला बहुत। कितने मार्क्स आए आपके नीट एग्ज़ाम में, और आपके ये पहला अटैम्प्ट था कि कितने अटैम्प्ट थे? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इस बार 657 मार्क्स आए हैं और ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था। क्या लगता है मम्मी डैडी कितने खुश है, और डैडी क्या करते हैं आपके? पेरेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स भी बहुत खुश है, और पापा मेरे वर्कर है सर्विस करते हैं। देखिए तमाम दोनों बच्चे हैं और दोनों ही बच्चों लोगों ने नीट का एग्ज़ाम जो है उर्दू से जो उर्दू मीडियम से जो है पढ़ाई करके अपने नीट क्वालिफाई किए हैं, और आने वाले वक्त में ये हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बनेंगे। सलाम टीवी के लिए अमजद खान, मुंबई।